नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो कवर करेगा टॉपिक स्पैम कॉल और एसएमएस को कैसे ब्लॉक करें। जी हाँ, ये वही स्पैम कॉल हैं जो कई सेल्स कंपनी से आते हैं और जो पता नहीं कहाँ से हमारा नंबर निकाल लेते हैं और फिर हमें दिन भर कॉल करते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये जो स्पैम कॉल और एसएमएस इनको ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं कई बार। और अगर आपका फ़ोन जो है वो भी कुछ ऐसा दिखता है कि अधिकतर कॉल ऐसी कस्टमर केयर कंपनी से आ रहे हैं और अधिकतर एसएमएस जो है वो ऐसे कस्टमर केयर कंपनीज के प्रमोशनल मैसेजेस आ रहे हैं और आप उनको रोकना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है। और इस तरीके को बोलते हैं DND, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब। अब डू नॉट डिस्टर्ब क्या है, ये एक मोबाइल सर्विस है जो कि सारे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को देना कंपलसरी है। मतलब अगर आप DND में रजिस्टर करते हैं तो आपका जो नंबर है वो एक रजिस्ट्री में रजिस्टर हो जाएगा और उसके बाद जो भी प्रमोशनल कॉलर्स होंगे वो आपको कॉल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये टेलीमार्केटिंग कॉल्स और मैसेजेस को स्टॉप करना है तो DND में रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के 7 दिनों के अंदर ये स्पैम कॉल्स आने आपको बंद हो जाएंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, सिर्फ स्पैम कॉल और टेलीमार्केटिंग कॉल आने बंद होंगे, वो कॉल बंद नहीं होंगे जैसे कि आपकी जो बैंक से कॉल आता है या बैंक से जो आपका वन टाइम पासवर्ड आते हैं वो सब बंद नहीं होंगे। तो ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। कई लोगों को लगता है कि DND एक्टिवेट करने के बाद उनके वन टाइम पासवर्ड आने भी बंद हो जाएंगे। उसके आगे चलते हैं, कैसे रजिस्टर करना है डू नॉट डिस्टर्ब यानी DND में। दो तरीके हैं। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो आपका लैंडलाइन है या आपका मोबाइल है उसमें आपको स्पैम कॉलिंग जो है उसको बंद करवाना है, तो 1909 एक टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। और वहाँ कॉल करने के बाद कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे हिंदी या इंग्लिश में, उनको फॉलो कर सकते हैं और आप ब्लॉक कर सकते हैं अनवांटेड कॉल्स को। उससे आसान तरीका है SMS से। SMS में आपको क्या करना है, एक सिंपल सा SMS भेजना है 1909 पे। SMS हो सकता है *DND या *0। अगर ये दो SMS आप लिख के भेजते हैं तो जो भी टेलीमार्केटिंग कॉल हैं वो आपको आने बंद हो जाएंगे 7 दिनों के अंदर अंदर। अब कई लोग होते हैं जिनको ज़रूरी नहीं कि सारे टेलीमार्केटिंग कॉल बंद कराने। मान लीजिए जैसे कि आप घर ढूंढ रहे हैं, आजकल घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप रियल एस्टेट की कॉल लेना चाहते हैं। सिमिलरली अगर आप टूरिज्म का देख रहे हैं, घूमने जाना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको टूरिज्म की कॉल आए, तो अगर आपको ये सेलेक्टिव कॉल्स को एक्टिव रखना है तो उसके लिए आपको फिर से ये जो *1, *2, *3 करके जो SMS लिखे हुए हैं ये SMS फिर से 1909 पे भेजना है। यानी कि मान लीजिए अगर आपको रियल एस्टेट के SMS चाहिए तो आप *2 करके 1909 पे भेज दीजिए, तो बाकी सारे SMS ब्लॉक हो जाएंगे क्योंकि आपने *0 भेज दिया होगा, और लेकिन रियल एस्टेट के SMS आपको आते रहेंगे, रियल एस्टेट की कॉल्स आपको आती रहेंगी। उसके बाद अगर आपने DND एक बार एक्टिवेट कर दिया है, उसके बाद उसको हटाना है, आप चाहते हैं कि फिर से आपको कॉल आने लगे, हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा कोई चाहेगा नहीं, तो उसके लिए भी सिंपल सा तरीका है, या तो 1909 पर कॉल करके इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, वो बता देंगे कैसे करना है, या फिर स्टॉप DND SMS कर दीजिए 1909 नंबर पे, और फिर से 7 दिन के अंतर्गत आपका DND डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको फिर से कॉल आने लगेंगे टेलीमार्केटिंग कंपनी से। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपने DND एक्टिवेट करवाया है तो उसको डीएक्टिवेट करवाने के लिए आपको 90 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने इस हफ्ते DND एक्टिवेट कराया और उसके हफ्ते बाद बोलते कि नहीं अब डीएक्टिवेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, 90 दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो मैं डालूँ तो आपको पता चल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।